अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथ में लगवाऊं, पायल कंगन भी लगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, पायल कंगन भी लगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट छोड़ना सा काढूंगा कसर खालूंगी बावन दोस्तों, एनजी न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों, नरवाना के अंदर ही नहीं, पूरे भारत के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर ऐसे बच्चे हैं टैलेंटेड की कोई कमी नहीं होती जिनके अंदर, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। माँ बाप का सहयोग हो या उनको अच्छे गुरु नहीं मिल पाते, जिसके कारण से वो आगे बढ़ने में रह जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए नरवाना के अंदर हमारे प्लेटफॉर्म तैयार किया उभरते सितारे ने, जो चंडीगढ़ लाइव न्यूज़ दिखाता है। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि जो भी बच्चे हो गए हरियाणा में या नरवाना के आसपास के जो भी बच्चे हो गए, उनको तो ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा उनको, ताकि आगे जाके कोई माँ बाप का भी नाम रोशन करे, अपने देश का भी नाम रोशन करे। तो हमारे साथ दीक्षा नाम की एक लड़की है जो नरवाना से सेलेक्ट हुई है डांस के अंदर, और अलग अलग जैसे सिंगिंग हो गया, अपने डांस हो गया, अलग अलग जो माध्यम होता है उनमें जो बच्चे उभरते हैं टैलेंटेड बहुत होते हैं, लेकिन एक प्रकार से गुरुओं की कमी होती है उनके अंदर। तो ऐसा ही प्लेटफॉर्म देने के लिए जो उभरते सितारे हैं, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो चंडीगढ़ के अंदर 10 दिन का समर कैंप लगाया जाएगा, फेस्टिवल, डांस फेस्टिवल कह सकते हो आप, वह लगाया जाएगा, जिसके अंदर दिल्ली से, मुंबई से ट्रेनर आएंगे और उनको अच्छी तरह से ट्रेन किया जाएगा कि किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है और किस प्रकार से आपको किस सॉन्ग पे किस प्रकार का स्टेप करना है, ताकि जो बच्चे हैं हमारे देश का नाम रोशन करें आगे जाके। हमारे साथ दीक्षा नाम की एक लड़की है नरवाना के एसटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, इनसे बात करेंगे और साथ में इनका जो सॉन्ग है वो भी दिखाएंगे, किस प्रकार से ये डांस करती है। हमारे इसी वीडियो में आपको वो ये वीडियो भी मिलेगी जो ये लड़की है इस पर डांस करती हुई। इसे बात कर लेते हैं गुड़िया से, और इसके माता पिता भी साथ में आया, कितना हौसला देते हैं माता पिता, उनसे भी बात करेंगे। और दोस्तों, मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ इस बच्ची की, जो ये आपके सामने अभी डांस आएगा, इस डांस के अंदर या कोई भी डांस हो जो इसने डांस किया है, किसी प्रकार की कोई किसी से सीखा नहीं है, अपने आप खुद तैयारी करती है, घर पर टीवी के सामने ये नाचती है या सुनकर डांस करती है, मतलब अपने आप ही गुरु माना है इसने। लेकिन अब जब ऊपर प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा तो और अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये उभरते सितारे इनको ये प्लेटफॉर्म देंगे। गुड़िया से बात कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है? दीक्षा रापड़िया। अच्छा, कौन से स्कूल में? एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। अच्छा बेटा, जैसे तूने एक डांस करके दिखाया, बहुत अच्छा लगा मैं, जैसे ये तुम्हें किसने सिखाया ये डांस? किसी ने नहीं, अपने आप ही। अपने आप ही है? अच्छा, मन में आपके ये जैसे डांस करने की कब से ललक लगी, या माता पिता ने बोला भाई हाँ बेटा डांस में आगे बढ़ना है, या फिर खुद मन में था भाई वहाँ मैंने डांस सीखना है या डांस करना है, आगे डांस में जाना है? बचपन से ही करती हूँ मैं।
बचपन से ही मन में है। अच्छा, एक बढ़िया डांसर बनना है। हाँ। अच्छा, अब जैसे तू डांस में, अभी तूने दो गाने पे डांस किया, तो क्या सभी गानों पर ऐसे डांस कर लेती है? हाँ। अच्छा, क्या कभी जब स्कूल में कोई फेस्टिवल होता है उसमें, मतलब तुम्हारे टीचर ने कभी बोला है बेटा कहाँ से सीखती हो ऐसे कुछ इस बार इसके बारे में डांस? हाँ, पूछते हैं। फिर क्या कहते हो? मैं बचपन से ही करती हूँ तो मेरे को घर पे ही आता है। अच्छा, बस जो टीचर है टीचर की तरफ से क्या रिएक्शन रहता है बेटा तुम्हारे लिए जैसे डांस का? अच्छा रहता है। अच्छा, बात बताओ मेरे को, जैसे नरवाना जैसे उभरते सितारे ने सेलेक्ट किया, पहली लड़की है तू जो डांस में सेलेक्ट की है, और चंडीगढ़ के अंदर जो 10 दिन का समर कैंप है उसके अंदर आपको मतलब ट्रेनर आएंगे बाहर से, आपको भी ट्रेन किया जाएगा कि किस प्रकार से आप आपको आगे डांस करना है, ताकि जो लेवल होते हैं ना अपर लेवल उनमें थोड़ा कठिन होता है कंपटीशन, तो उनके लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसके लिए मतलब आप जो उभरते सितारे उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, उनका थैंक यू बोलना चाहती हूँ। चाहेंगे भी और भी नरवाना के अंदर जो भी बच्चे ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने मतलब अपने आप से ये सीखा है डांस करने की या सिंगिंग का, तो वो उन बच्चों को भी सिलेक्ट करें ताकि हमारे देश या अपने नरवाना का नाम रोशन करें किसी भी प्लेटफॉर्म में। इनके पिताजी इनसे भी बात कर लेते हैं। सर नमस्कार, क्या नमस्कार जी? मेरा नाम है जी महेंद्र सिंह रापड़िया, मेरी गुड़िया दीक्षा रापड़िया उभरते सितारे चंडीगढ़ लाइव में पहली बार सिलेक्ट हुई है नरवाना में। बहुत अच्छा डांस करती है और मेरी इच्छा है कि ये और ऊंची ऊंचाइयों को छुए, और हर माता पिता से मैं उम्मीद करता हूं कि उनके बच्चे भी और आगे जाएं, डांस में जाएं या सिंगिंग में जाएं, किसी भी फील्ड में जाएं। रही दोस्तों, अभी आपने देखा दीक्षा जी के पिता थे और ये गुड़िया थी, इन्होंने अपनी बात बताई, लेकिन मैं एक खास बात और बताना चाहता हूँ। नरवाना के अंदर या गांव से जो भी बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे ही बच्चे जिनके अंदर टैलेंट होता है और वो अपने माता पिता या किसी की कमी के कारण ले तो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि कई बार ग्रामीण इलाका आता है तो सहयोग नहीं कर पाते, तो मैं चाहूँगा अगर ऐसे बच्चे आपके आसपास दिखाई दे या चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, तो हमारा चैनल जो एनजी न्यूज हरियाणा है उसके ऊपर आप स्क्रीन पे देखेंगे कि हमारा मोबाइल नंबर है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करें। आपको उभरते सितारे का जो समर कैंप होगा, डांस फेस्टिवल जो कैंप होगा, वहाँ पर आपको मौका मिल सकता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों, चंडीगढ़ के अंदर जो समर कैंप लगेगा या डांस फेस्टिवल होगा उसको ऑर्गेनाइज करा रहे हैं जो डायरेक्टर हमारे साथ उभरते सितारे के, उनसे बात करेंगे आखिर क्या जरूरत पड़ी उनको नरवाना के अंदर जिस प्रकार से जो बच्चे हैं उनको ऊपर लेके जाने की। सर नमस्कार, सबसे नमस्कार पहले जी, नमस्कार, स्वागत है। सबसे पहले एनजी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। धन्यवाद जी। जी जी सर, जैसे आपको ये प्रोग्राम जो समर कैंप है फेस्टिवल है क्यों क्यों जरूरत पड़ी करवाने की? इसमें सर जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल जो बच्चे हैं ग्रामीण लेवल के बच्चे हैं या छोटे सिटीज के जो बच्चे हैं, हर बच्चे के अंदर गांव के अंदर जो है उनके अंदर टैलेंट जरूर है, लेकिन उन्हें एक मंच नहीं मिल पाता, एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, या यूं कहें कि जो हीरा है हीरे को तराशने के लिए जो जौहरी है वो नहीं मिल पाता, और जब तक हीरे को जौहरी नहीं मिलेगा तब तक वो हीरा चमक नहीं सकता, उसके मार्केट में वैल्यू नहीं होगी। तो बच्चों के अंदर जो टैलेंट है भरा पड़ा है उनको एक प्लेटफॉर्म दें ताकि उन बच्चे को निखारा जा सके और उनको आगे भी मौका मिल सके। तो ये 10 दिन का हम कैंप लगा रहे हैं, सिलेक्टेड बच्चों को ही लेके जा रहे हैं, एक स्कूल से जैसे 4 बच्चे ही सिलेक्ट कर रहे हैं, उन सिलेक्टेड बच्चों को आगे चंडीगढ़ दिल्ली के जो ट्रेनर रहेंगे, बॉम्बे के ट्रेनर रहेंगे, उसके बाद उनको आगे भी जैसे सीरियल्स वगैरह है, सॉन्ग वगैरह है, मूवीज़ वगैरह है, शॉर्ट मूवीज़ वगैरह है, उनमें भी उन बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया जाएगा ताकि वो बच्चे देश का, समाज का, नरवाना का, अलग अलग छोटे छोटे गाँव का भी नाम रोशन कर सके और अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन कर सके। ठीक। तो दोस्तों, उभरते सितारे की तरफ से इस गुड़िया को सम्मानित किया जा रहा है, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये गुड़िया नरवाना से चूज करी गई है, सेलेक्ट की करी गई है, तो अच्छी बात है, और उभरते सितारे ने इनको सम्मानित किया है, तो हमारे चैनल की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और उभरते सितारे का भी जिस प्रकार से नरवाना के बच्चों को सेलेक्ट किया जा और आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना और देखते रहिए एनजी न्यूज़ हरियाणा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।